मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी माँ की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है।
आपके सजन सावन में। आपके सजन सावन में बदन में बरसेगी मगर तरसेगी नजर मिल न सकेगी तो
गाने का इतना जोश, कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई है। कहीं इसका पांव है, कहीं इसकी टांग है, तोड़ दिया आप लोगों ने। अब दोनों जोड़ लो, अब जोड़ने में जो जल्दी जोड़ लेगा उसकी हो जाएगी। बहुत अच्छा है जी। मैं तो इस ये मेरा गाना रफी साहब ने हमें एक तोहफा दिया था जी, वो आज तक हम उसके साथ चल रहे हैं। मतलब 75-76 का गाना रफी साहब ने जान डाल दी। जो हमारे कोरियोग्राफर थे उनसे मैंने कहा आप मुझे करने दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप बताइए जो करना है। वो कुछ कहते थे 1, 2, 3, 4 एक स्टेप ले लो। मैंने कहा अगर 2 स्टेप ले लूँ तो क्या है। और फिर जो मैं उसमें वो टैप डांस भी किया बोतल लेकर, मैं खुल के किया, वो रिदम नहीं छोड़ी और कैरेक्टर नहीं छोड़ा। हो जाए तालियां। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। तालियां फॉर द लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी सर, आपके जैसा कोई ना था ना है और ना होगा। लव यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।